एवरीवन, वेलकम टू ग्रेस्पिंग केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे कि कैसे HMO अप्रोच का यूज करके वी आर एबल टू नो वेदर द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। HMO को तो जनरली हम लोग क्वांटम में पढ़ते हैं, जिसका मतलब है हक्कर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसकी हेल्प से हम किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर एनर्जी निकालते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिलोकलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी निकालते हैं एंड एक्सेट्रा। बट आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि हम HMO अप्रोच का कैसे यूज़ करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स या नॉन एरोमेटिक, कैसे यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड को जानने के लिए कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि HMO का मतलब क्या है, हक्कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। HMO, अकॉर्डिंग टू HMO, जो एनर्जी है HMO के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की, उनको हम तीन पैरामीटर्स में डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें फर्स्ट है अल्फा, सेकंड है बीटा, नेक्स्ट है एस। अब अल्फा क्या है, अल्फा है कूलम इंटीग्रल, बीटा क्या है बाइंडिंग एनर्जी कोफिशेंट, एस से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं ओवरलैपिंग इंटीग्रल। अब कूलम इंटीग्रल क्या होता है, चार डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें रिप्रेजेंट करेगा। बाइंडिंग एनर्जी कोफिशेंट क्या होता है, जब दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बाइंड करते हैं उसकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय बीटा। एस क्या है ओवरलैपिंग इंटीग्रल, मतलब ओवरलैपिंग उन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो सिमिलर नहीं है, डिफरेंट एटम्स के लिए हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन के अंदर सभी क्या है कार्बन है, तो उस केस में हम ओवरलैपिंग इंटीग्रल को कंसीडर नहीं करेंगे। बट जैसे कोई और कंपाउंड है जिसमें हिट्रो एटम भी साथ में प्रेजेंट है, तो उस हिट्रो एटम का वो जिस भी कार्बन से अटैच है उस केस में हम उसका ओवरलैपिंग इंटीग्रल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर HMO की अप्रोच को एरोमेटिकसिटी चैप्टर में पढ़ने के लिए हमें क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि अगर हमारे पास डेल ई चेंज इन एनर्जी, अब ये चेंज इन एनर्जी कौन सी है वो मैं आपको एग्जांपल्स में डिस्कस करूँगी। चेंज इन एनर्जी जब क्या हो जीरो, तब हमारे पास कंपाउंड क्या होता है नॉन एरोमेटिक। व्हेन डेल ई इज पॉजिटिव देन द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, व्हेन डेल ई इज नेगेटिव देन द कंपाउंड इज एरोमेटिक। अब HMO जब हम क्वांटम में पढ़ते हैं तो हम बहुत लंबी डेरिवेशन करते हैं, जिससे हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ जो है एनर्जी लेवल्स की आती हैं, जिसके अंदर हम सेकुलर डिटर्मिनेंट का भी यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम वो पूरी डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम जस्ट उसके अप्रोच को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक जानने के लिए हमें उस डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके रिजल्ट की ज़रूरत है। तो उसका रिजल्ट क्या है, ये एक ट्रिक है जिससे आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करके ओपन सिस्टम के लिए या किसी भी साइक्लिक सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी जैसे हमारे पास है ओपन सिस्टम के लिए, तो अगर हमारे पास कोई ओपन सिस्टम प्रेजेंट है जैसे कि साइक्लोब्यूटाडाइन या अलाइलिक, मतलब कुछ भी प्रेजेंट हो ओपन हो, तो उसके लिए हम एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अल्फा प्लस टू बीटा कोस पाई के एन प्लस वन। एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और के क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक। साइक्लिक सिस्टम के लिए क्या फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू, अगर हमें साइक्लिक सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल्स निकालने हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू अल्फा प्लस टू बीटा कोस 2 पाई के डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पर भी क्या है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब साइक्लिक सिस्टम के लिए दो कंडीशन आ सकती हैं कि जो वो साइक्लिक बनी हुई है, या तो वो इवन नंबर ऑफ कार्बन से बनी हुई होगी या वो ओड नंबर ऑफ कार्बन से बनी हुई होगी। अगर वो साइक्लिक सिस्टम इवन नंबर ऑफ कार्बन से बनी हुई है तो उसके लिए हमें के की वैल्यू जो है वो क्या लेनी है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस एन बाय टू। यहाँ पे देखिए लास्ट वैल्यू जो है वो प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस है। नेक्स्ट है जब हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी ओड, ओड एन की वैल्यू के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस माइनस एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब यह ध्यान आपको ये रखना है कि इवन के केस में यहाँ पर सिर्फ प्लस है, ओड के केस में यहाँ पर प्लस माइनस है। ठीक है, अब हम
डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम HMO का यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया बेंजीन का, अब हम ये देखेंगे कि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है, ये तो हमें पता है, बट हम HMO के थ्रू इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं। जैसे HMO के थ्रू सबसे पहले हमें क्या देखना है, फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा देखने का कि साइक्लिक सिस्टम है या असाइक्लिक है। कैसा सिस्टम है? साइक्लिक सिस्टम है। साइक्लिक सिस्टम के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, E इज इक्वल टू अल्फा प्लस टू बीटा कोस टू पाई के डिवाइडेड बाई एन। एन कैसा है इसके अंदर? इवन, क्योंकि एन कितने हैं, सिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं आपने। अगर एन हमारा इवन है तो के की वैल्यू हमें कहाँ तक देनी है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और प्लस एन बाय टू। के जीरो प्लस माइनस वन, एन क्या है हमारा सिक्स, तो यहाँ पे हमने सिक्स पुट किया तो सिक्स डिवाइड बाई टू कितना हो गया, थ्री। तो हमने कहाँ तक लेनी है वैल्यूज, थ्री तक। अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है सॉल्व करते वक्त, एन हमारे पास सिक्स है ठीक है, और के हमारे पास कितने हैं, जीरो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू और प्लस थ्री। तो हमने इनका कॉम्बिनेशन लेना है। जैसे एक बारी हमने वैल्यू निकालेंगे एक एनर्जी लेवल की बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन जीरो एंड सिक्स, नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन वन एंड सिक्स एंड सो ऑन, वी विल कंटिन्यू। जीरो और सिक्स वैल्यू जब हमने ली तो जीरो क्या है हमारा के और एन क्या है हमारा सिक्स। तो हमने बस इसके अंदर पुट किया क्वेश्चन के अंदर के की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, जीरो, और एन की जगह पर क्या पुट किया हमने, सिक्स। तो ये तो पूरी टर्म क्या बन गई, जीरो। कोस जीरो क्या होता है, वन। तो हमारे पास एक एनर्जी लेवल आ गया अल्फा प्लस टू बीटा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो हमने लिया वो लिया वन और सिक्स का, वन हमारी के की वैल्यू है और सिक्स हमारी एन की वैल्यू है। बस फिर इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, वन हमारी के था और सिक्स क्या है हमारा एन, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आया कोस पाई बाई थ्री, कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है वन बाई टू, और इससे हमारे पास एक दूसरा एनर्जी लेवल निकल गया, ई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया माइनस वन और सिक्स का, माइनस वन क्या है के, तो हमने के की जगह पर क्या पुट कर दिया, माइनस वन। एन की वैल्यू क्या है, सिक्स, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी। इसको सॉल्व किया तो देखिए हमारे पास क्या आया, कोस माइनस पाई बाय थ्री, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो कोस माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा कोस पाई बाई थ्री के, कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वन बाई टू। अगेन वी विल गेट एन एनर्जी लेवल, ई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। फिर हमने ऐसे ही नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का यूज़ किया, इसी फॉर्मूला में पुट करते गए। एक बार जब हमने पुट किया टू सिक्स तो हमारे पास एनर्जी लेवल आया अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट में हमने पुट किया माइनस टू एंड सिक्स कॉम्बिनेशन यूज़ किया, हमारे पास एनर्जी लेवल आया अल्फा माइनस बीटा। उससे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यूज़ किया थ्री और सिक्स, तो हमारे पास एक एनर्जी लेवल आया अल्फा माइनस टू बीटा। टोटल एनर्जी लेवल्स जो हैं वो हमारे बेंजीन के लिए कितने आए, सिक्स आ गए ठीक है। अब सिक्स एनर्जी लेवल को हम कैसे देखेंगे कि कौन सा एनर्जी लेवल अपर रहेगा और कौन सा एनर्जी लेवल बिलो रहेगा। जैसे कि हमारे पास सिक्स एनर्जी लेवल्स आए थे और हमें ये चेक करना है कि हमारा कौन सा एनर्जी लेवल ऊपर है और रहेगा, कौन सा एनर्जी लेवल नीचे रहेगा। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि जब हम बिलो से अपर की साइड जाते हैं तो हमारी एनर्जी क्या इंक्रीज होती है, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज होती है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, जीरो HMO के अंदर। बीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ओके, अब बीटा की वैल्यू नेगेटिव कितनी होती है, एक्चुअल में होती है माइनस 75 किलो जूल पर मोल, इतनी वैल्यूज होती है। अगर हम अल्फा के अंदर, जैसे हमारे पास एक एनर्जी लेवल आया था अल्फा प्लस टू बीटा, देखो बीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव को हमने टू से मल्टीप्लाई किया ठीक है, तो भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अगर नेगेटिव वैल्यू को मैं ऐड कर रही हूँ किसी वैल्यू के अंदर तो भी मेरे पास ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो क्या है, जीरो ही है। तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वैल्यू आना ये शो कर रहा है कि अल्फा प्लस टू बीटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी का है, तो इसलिए हमने इसको सबसे नीचे रखा। आपने इस बात में कन्फ्यूज नहीं होना कि अल्फा प्लस टू बीटा को नीचे रखा है और अल्फा माइनस टू बीटा को ऊपर रखा है। इसके पीछे क्या है, लॉजिक है कि बीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो इसीलिए अल्फा प्लस टू बीटा की वैल्यू तो कम होएगी। अगर बीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो अल्फा माइनस टू बीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमने इन एनर्जी लेवल्स को अरेंज कर लिया है ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है।
कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था हमारा बेंजीन, बेंजीन जो है वो हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। कैसे फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की इस सिस्टम के अंदर, हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं, उसकी वायलेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर अगेन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन अल्फा प्लस बीटा इस एनर्जी लेवल में आया। अब देखिए, जब हमने थ्योरी का एग्जाम नहीं देना तो हम इसके अंदर डायरेक्ट क्या करते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके इस कॉर्नर वाले साइड को, वो किसी भी सिस्टम हो, चाहे ये वाला सिस्टम है, चाहे साइक्लोप्रोपाइल सिस्टम है, चाहे साइक्लोपेंटाइल सिस्टम है, आपने हर सिस्टम के अंदर क्या करना है, इस कॉर्नर को बॉटम पे रखना है। इस कॉर्नर को जैसे ही बॉटम पे रखेंगे तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पर कार्बन है वहाँ वहाँ पर एक एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उतने ही एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर बना दीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका यही बनेगा, ठीक है। बट आप किसी थ्योरी के एग्जाम में देंगे तो आपको ये चीज़ कैलकुलेट करके वहाँ पर शो करनी पड़ेगी, कैसे आपने HMO से एनर्जी लेवल्स को कैलकुलेट किया। HMO हमें ये एनर्जी लेवल बताने में ही काम आता है। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखिए दो तरीके की एनर्जी होती है। एक होती है एस्टिमेटेड एनर्जी, जो हमने सोची कि हाँ बेंजीन के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए उस, और एक होती है कैलकुलेटेड एनर्जी। कैलकुलेटेड एनर्जी हम निकालेंगे इस एनर्जी लेवल का यूज करके। देखिए कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन्स किस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, अल्फा प्लस 2 बीटा में। डेट मीन्स इस एनर्जी लेवल को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। नेक्स्ट एनर्जी लेवल की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा जो एनर्जी लेवल है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4। तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा प्लस बीटा से। तो ऐसे हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास कैलकुलेटेड एनर्जी आती है 6 अल्फा प्लस 8 बीटा। अब हम एस्टिमेटेड एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा जो बेंजीन का सिस्टम है वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, ये तो बात करेक्ट है। अब एक जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कौन सा है, वो इथाइलिन का। तो क्या ये बोल सकते हैं कि बेंजीन जो है वो 3 इथाइलिन यूनिट से बना हुआ है, ठीक है। और एक इथाइलिन यूनिट के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम देखिए इथाइलिन यूनिट के अंदर अगर हम एनर्जी निकालेंगे, हमारे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइक्लिक सिस्टम और ओपन सिस्टम के बीच में, तो हम ओपन सिस्टम का यूज़ करेंगे इसके अंदर। जैसे ही हम फॉर्मूला में यूज़ करेंगे इसको, तो हमारे पास फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी जो आती है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक इथाइलिन यूनिट की, वो आती है 2 अल्फा प्लस बीटा। अब इसके अंदर कितने इथाइलिन यूनिट है, 3, या ये कह लो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6। तो हम पूरे के पूरे इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये इक्वल हो जाएगा ना बेंजीन के, एक इथाइलिन यूनिट 2 अल्फा प्लस बीटा, 3 इथाइलिन यूनिट 6 अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास टोटल एस्टिमेटेड एनर्जी जो हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी बेंजीन की, वो कितनी है, 6 अल्फा प्लस बीटा। बट कैलकुलेट करके कितनी आई, 6 अल्फा प्लस 8 बीटा। अब हम जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पॉइंट टू रिमेंबर बताया था, उसके अंदर हम बात करते हैं चेंज इन एनर्जी की। ये डेल ई क्या है, ये डेल ई है कैलकुलेटेड एनर्जी को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारी एस्टिमेटेड एनर्जी में से। तो देखिए कैलकुलेटेड एनर्जी कितनी थी, 6 अल्फा प्लस 8 बीटा। एस्टिमेटेड एनर्जी कितनी है, 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। तो हमने इसको माइनस कर दिया, 6 अल्फा से 6 अल्फा कैंसिल एंड वी विल गेट 2 बीटा। अब ये देखिए जो ये 2 बीटा एनर्जी आ रही है हमारे पास, ये कैश हो कर रही है। बीटा की वैल्यू तो मैंने आपको अभी बताया कैसी होती है, नेगेटिव। तो बीटा नेगेटिव है तो ओवरऑल 2 को मल्टीप्लाई करूंगी उससे तो भी तो वो नेगेटिव ही आएगा। तो डेल ई की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव होगी। तो अब हमारे पास चेंज इन एनर्जी क्या आई, नेगेटिव। तो हमारे पास डेल ई की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव। अब डेल ई की वैल्यू नेगेटिव हमें क्या शो कर रहा है कि हमारा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। क्योंकि हमने 3 में डिस्कस किया हक्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि डेल ई की वैल्यू जब 0 आएगी तो क्या होगा, डेल ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी और डेल ई की वैल्यू पॉजिटिव। तो डेल ई की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो हमारा सिस्टम कैसा होता है, एरोमेटिक, ठीक है। और डेल ई की वैल्यू जब हमारी 0 आती है तो हमारा सिस्टम कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। और जब हमारी डेल ई की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारा सिस्टम कैसा है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो आपको अब समझ में आया कि ये डेल ई की वैल्यू मैं क्या बात कर रही थी, मैं डिफरेंस का बात कर रही थी कैलकुलेटेड एनर्जी और एस्टिमेटेड एनर्जी के बीच का। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिससे ये टॉपिक जो है HMO अप्रोच को हम कैसे यूज़ करते हैं एरोमेटिसिटी के अंदर, तो क्लियर हो जाएगा वो आपको। अब हमारे पास ये साइक्लोप्रोपाइल सिस्टम है, केटाइन है ये साइक्लोप्रोपाइल केटाइन, जिसके अंदर N की वैल्यू क्या है, 3।
एन क्या है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो 1, 2 एंड 3। कैसा है कार्बन नंबर, ओड है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइक्लिक सिस्टम के लिए यूज होता है जो फॉर्मूला, वही यूज करेंगे, विच इज अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 2 पाई के डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू 3 है तो के की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस माइनस एन माइनस 1 बाय 2। अब हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन लेना है, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे हम, एन की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो डेट मीन्स हमने के की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 और प्लस माइनस 1। जो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, 3 0 के साथ, 3 प्लस 1 के साथ और 3 माइनस 1 के साथ। जब हमने एनर्जी कॉम्बिनेशन से निकाली, कौन से, जब हमने कॉम्बिनेशन यूज़ किया के और एन का, 3 और 0, जिसके अंदर एन की वैल्यू 3 पुट की यहाँ पर और के की वैल्यू 0 पुट की, तो 0 पुट करने से तो कोस 0 1 बच गया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो आप बस इस फॉर्मूला में पुट करिएगा तो आपके पास एनर्जी आ जाएंगी, सारी एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे, 3 एनर्जी लेवल्स आएंगे। और हमें आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं अपना वेरीफाई करने के लिए कि हमारे एनर्जी लेवल्स, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो हैं वो करेक्ट आए हैं या नहीं, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आते हैं। तो डायरेक्ट हम इसका एनर्जी बनाएंगे कैसे, अब देखिए अल्फा प्लस 2 बीटा लो आएगा या अल्फा माइनस बीटा लो आएगा, कि कौन से वाला लो आएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा। क्यों लो एनर्जी होगी इसकी, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, अगर हम उस नेगेटिव को ऐड करेंगे अल्फा के अंदर तो ओवरऑल वैल्यू भी हमारी एनर्जी लेवल की कम ही आएगी, तो जिसकी जितनी कम एनर्जी उतना वो स्टेबल, तो उतना ही वो नीचे की तरफ बनेगा। तो ये हमारे पास बना अल्फा प्लस 2 बीटा। उसके बाद क्या है, अल्फा माइनस बीटा, दो हमारे पास सेम एनर्जी लेवल्स आए, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, तो हम इनकी एनर्जी क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। अब देखिए जो हमारे पास ऊपर की तरफ बनते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एंटी बॉन्डिंग, और जो नीचे बनते हैं बॉन्डिंग। अब जो हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन है ये कौन से ऑर्बिटल शो कर रही है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हम इस एनर्जी लेवल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, हुन रूल के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, ये नहीं कि आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर रहे हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा, आपने हुन रूल की वॉयलेशन नहीं करनी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल होंगे हमारे पास। अब क्या करेंगे, वही जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था बेंजीन के, कैलकुलेटेड एनर्जी निकालेंगे, एस्टिमेटेड एनर्जी निकालेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप ये कंटिन्यू अपने आप भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, फिर आप चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं। एनर्जी कैलकुलेटेड निकाली हमने, देखिए एनर्जी कैलकुलेटेड कैसे निकालनी है, कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे किस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, बस उसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास कैसे था ये सिस्टम, कुछ इस तरीके से बना था, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कौन से वाले में, अल्फा प्लस 2 बीटा में, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा प्लस 2 बीटा से एंड वी गेट 2 अल्फा प्लस 4 बीटा। एस्टिमेटेड एनर्जी निकालनी थी हमने, अब ये देखिए एस्टिमेटेड एनर्जी निकालनी है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की निकालने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की निकालने, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तो एनर्जी कितनी आ रही थी, 2 अल्फा प्लस बीटा है ना, तो यही आई 2 अल्फा प्लस बीटा, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। आपने हमेशा यही बात याद ध्यान रखनी है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहां पर भी मिलेगा तो उसकी एनर्जी जो होती है वो 2 अल्फा प्लस बीटा होती है, बाकी जितने भी होंगे प्रेजेंट उसके अलावा हम उतने से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम चेंज इन एनर्जी निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैलकुलेटेड एनर्जी में से एस्टिमेटेड एनर्जी को, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा में से माइनस करना है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, किया 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल हो गया, 4 बीटा माइनस 2 बीटा, अगेन हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 बीटा। बीटा क्या होता है, लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू, 2 बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव ही आएगी। दिस इंप्लाइज दैट चेंज इन एनर्जी फॉर द साइक्लोप्रोपाइल कैटायन सिस्टम इज केम टू बी नेगेटिव, हेंस दिस सिस्टम इज ऑल्सो एरोमेटिक सिस्टम। इस तरीके से हम HMO अप्रोच का यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सिस्टम को के लिए, ताकि हम उसका पता लगा सकें कि वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। एक ही आप सबके लिए प्रैक्टिस एग्जाम्पल है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये साइक्लोप्रोपाइल एनायन का एग्जाम्पल है जो कि एंटी एरोमेटिक है। तो आप मुझे बताइएगा अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वेरी इजी वन, सेम डिटो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है, और आपके पास जो भी डेल ई की वैल्यू आएगी आप उसे जज करिएगा कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।